अगर ये हिसाब से आप लोग एक बार बना लिए ना तो एकदम जबरदस्त एकदम बहुत आसान तरीके से बना लेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग एक बार देखो उसके बाद बनाओ ताकि एकदम आसान हो जाए आप लोगों के लिए। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप लोग अगर पानी पूरी गोलगप्पा बना बना के थक गए हैं, अगर नहीं बन रहा है तो आज का वीडियो आप लोग सिर्फ एक बार, जो भी मेरे भाई मेरे यार मेरे माताएं बहनें अगर देख रहे हैं, अगर आप लोगों का गोलगप्पा क्यों नहीं बन रहा है ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा ऑल टोटल पता चलेगा, लेकिन आप लोग ध्यान से देखो उसके बाद बनाओ। देखो ऐसा अगर आप लोग सोच रहे हैं, देखो आप लोग देख सकते हैं ऐसा ही बनेगा आपका, लेकिन आप लोग एक बार बिल्कुल ध्यान से देखो उसके बाद बनाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग अगर ये वीडियो देखेंगे तो सही बता रहा हूँ कसम से, आपका पूरा कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक बार देखो मेरे जैसा अगर ना बने ना जो बोलो वो हार जाऊंगा। आप लोग सिर्फ एक बार अच्छे से देखो और उसके बाद बनाओ, बिल्कुल एकदम जबरदस्त एकदम परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची ही बनेगा। चलो मैं बनाना शुरू करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो उसके बाद बनाओ एकदम परफेक्ट। देखो पानी पूरी बनाने के लिए आज का जो मैं आप लोगों को रेसिपी बताने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा आ गया सूजी। और ये सूजी लेने के बाद बिल्कुल आप लोग अगर ये हिसाब से अगर बरोबर से इतना माप से अच्छे से ले लिए ना तो एकदम जबरदस्त ही बनेगा। देखो जैसा मैं खुद बनाता हूँ ऐसा ही बताने जा रहा हूँ आज आप लोगों को, ताकि आप लोग बिल्कुल बहुत आसानी से बना लो। आप लोग देख सकते हैं, देखो ये हो गया हमारा दो गिलास सूजी, ये दो गिलास सूजी हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे आधा गिलास गेहूं का आटा, ये आधा गिलास गेहूं का आटा, यह आ गया हमारा आधा गिलास गेहूं का आटा। अब उसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें अपना मीठा सोडा, खाने का सोडा, ये थोड़ा सा खाने का सोडा। उसके बाद अभी इसको हम बिल्कुल एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से, ये हिसाब से हम बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये इसको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से इसका हम आटा लगा लेंगे। ये है हमारा तरीका, जैसा मैं खुद बनाता हूँ ऐसा ही बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग अगर ये हिसाब से अगर कभी भी बनाएंगे तो एकदम जबरदस्त और परफेक्ट बनेगा। ये आ गया हमारा नॉर्मल पानी, अब देखो इससे हम इसका आटा लगा लेंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ये हिसाब से आप लोग बनाएंगे बिल्कुल एकदम जबरदस्त और परफेक्ट बनेगा। ये हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, अब ये हिसाब से हम देखो इसका बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ये हिसाब से अगर बनाएंगे ना आपका बिल्कुल एकदम जबरदस्त और परफेक्ट एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा। ये है असली तरीका, अगर आप लोग भी सोच रहे हैं गोलगप्पे वाले जैसा बनाना तो ये हिसाब से अगर एक बार बनाओ बिल्कुल एकदम जबरदस्त, बिल्कुल रोड जैसा बाजार जैसा एकदम परफेक्ट बनेगा। इसलिए मैं जैसा मैं खुद बनाता हूँ वैसा ही बता रहा हूँ आज आप लोगों को कि पानी पूरी बनाना तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये है देखो, अब ये हिसाब से हो गया आटा एकदम परफेक्ट रेडी। अब इसको हम छोड़ देंगे रेस्ट के लिए कम से कम आधा घंटा कि अच्छे से हमारा आटा सेट हो जाए, उसके बाद हम इसका पेड़ा बनाएंगे। देखो आप लोग नज़दीक से देख सकते हैं ये हो गया रेडी, अब इसको हम भर के ऐसा छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जब हमारा अच्छे से आटा सेट हो जाएगा उसके बाद हम निकाल के फिर मसल के बनाएंगे पेड़ा इसका। अब ये देखो ये हमारा आटा आधा घंटा रखने के बाद अब ये कैसा दिख रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसको निकालने के बाद देखो ये कितना बढ़िया सेट हुआ है, और ऐसा अगर आप लोग ध्यान से अगर बढ़िया से देख लिए और बना लिए ना एकदम जबरदस्त बनेगा। चलो अब इसको हम निकाल के बाहर उसके बाद इसको मसल के हम बनाएंगे इसके इसका पेड़ा। ये हिसाब से अब देखो थोड़ा सा एक डेढ़ मिनट करीब करीब डेढ़ दो मिनट मसल लेंगे एकदम अच्छे से बढ़िया से, ताकि एकदम अच्छा बढ़िया हमारा आटा एकदम अच्छा सेट हो जाए।
ये है असली तरीका। अगर आप लोग भी सोच रहे गोलगप्पे वाले जैसा बनाना, तो बहुत ही आसान तरीका मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये हिसाब से बिल्कुल एकदम परफेक्ट ही बनेगा आपका। अब ये हिसाब से देखो, एकदम अच्छे से मसल लिए। मसलने के बाद ये है, अब थोड़ा सा लंबा करना, उसके बाद इसका पेड़ा बना लेना है। ये देखो, मैं अब आप लोगों को एकदम अच्छे से बता दूं ताकि समझ में आए। ये देखो, अब देखो अगर नजदीक से देखेंगे तो ये हिसाब से देखो, नजदीक से ये हिसाब से देखो, ये है एकदम रेडी, एकदम तैयार हो गया ये हमारा पानी पूरी बनने के लिए। देखो अब ये हिसाब से देखो, थोड़ा सा लंबा किए, हल्का सा दबा देना है, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद अब इसको हम थोड़ा काट लेंगे। ये हो गया रेडी, अब इसको हम काट लेंगे। अब इसको देखो, हम काट लेंगे ये पतला पतला, ये बारीक बारीक, ये हिसाब से। ये देखो, ये हो गया कटिंग। कटिंग होने के बाद अब इसका हम पेड़ा कैसा बनाते हैं वो भी दिखा देता हूँ, ताकि एकदम आसान हो जाए आप लोगों के लिए। और ये हिसाब से अगर आप लोग बनाएंगे बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान, तो बोलो तो कोई भी बना लेगा घर बैठे बहुत आसानी से, एकदम बगैर टेंशन का, बगैर कोई तामझाम का। ये हिसाब से देखो, ये थोड़ा सा लंबा करना। लंबा करने के बाद अब ये एकदम परफेक्ट पेड़ा बनने शुरू हो गए। देखो ये है हमारा असली तरीका। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो, अगर ये हिसाब से कभी भी आप लोग एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखो। अब हम पेड़ा बना लेंगे, उसके बाद इसमें क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि आप लोगों को हर चीज़ पता चले। जब तक आप लोग ध्यान से देखेंगे नहीं, जब तक आपका बनेगा नहीं, चाहे लाख कोशिश कर लो। अब देखो ये हमारा पेड़ा कैसा है आप लोगों के सामने है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, कभी भी आप लोग देखो, सबसे पहले अगर आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखेंगे पेड़े का साइज ना, तो आप लोगों को साइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब तक एक साइज का आप लोग अगर पेड़ा बना लिए, तो आपका एकदम ज़बरदस्त बन जाएगा गोलगप्पा। अब उसके बाद देखो, ये आ गया थोड़ा सा सूखा आटा, बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथों से ऐसा मिला देंगे। ये बिल्कुल हल्का हल्का ऐसा थोड़ा सा, ये है मिलाने का तरीका। अगर आप लोग ये हिसाब से, इससे आपका फायदा ये होगा कि जो अभी तक हमारा ये जो गोली था, ये पेड़ा था ना, ये हमारा दिख रहा था अलग, लेकिन अब देखो थोड़ा सा गोल दिख रहा होगा आप लोगों को। अब ये बेलने में ना, आप लोगों को मैं बता दूं कि मतलब ये जब बेलेंगे आप लोग, तो एकदम एकदम परफेक्ट गोल ही बनेगा। ये नहीं है कि ऐसा चारों तरफ चौड़ा पतला, ऐसा कुछ नहीं, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास गोल होगा ये। इसलिए हम लोग इसको पहले ये हिसाब से मार के रख लेंगे, उसके बाद इसको अब ये बेलने के लिए हमारा एकदम परफेक्ट हो गया रेडी। ये हो गया देखो, ये एकदम ज़बरदस्त हो गया रेडी। अब हम इसको बेल लेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को बेलने का तरीका भी बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि एकदम आसान हो जाए आप लोगों के लिए। अब देखो, ये हम जो पेड़ा बनाए थे, थोड़ा थोड़ा दो पन्नी में ऐसा निकाल लिए हैं। देखो थोड़ा थोड़ा दो पन्नी में, दो कैरी बैग पॉलीथीन, आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद अब ये हमारा बेलने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक आप लोग अच्छे से देखेंगे नहीं, ध्यान से देखेंगे नहीं, आपका बन के भी ख़राब हो जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान देना, अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो आपका समझो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगा। आपका मेहनत पहले नंबर तो जो है, आटा तेल मेहनत पूरा, दो एक दो घंटे का पूरा जो भी दिमाग मारी मत्था मारी सब खराब हो जाएगा। उससे अच्छा आप लोग कभी भी एकदम अच्छे से देखो और बढ़िया से बनाओ। मैं कभी भी यही कहता हूँ कि जब तक आप लोग सिर्फ मुश्किल से 10 से 12 मिनट की बात है, चाहे देखते देखते बनाओ तो भी बन जाएगा, ये मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ। उसके बाद ये है आप लोगों के सामने पूरा हमारा जो भी है, इसलिए मैं आप लोगों को हर चीज़ बताता हूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से
बढ़िया से बनाओ, एकदम अच्छा जबरदस्त बनेगा। आप लोगों को जो मैं बता रहा था कि मतलब जब आप लोगों का पेड़ा एकदम अच्छा गोल बनेगा तो इसका गोलगप्पा भी एकदम गोल बनेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी। और उसके बाद देखो ये बेलने के बाद ऊपर से ही आ गया हमारा, और ये कपड़ा आप लोग सोचेंगे कि मतलब ये कच्चा है गिल्ला है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई मेरे यार मेरे माताएं बहनें, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये पूरा हमारा सिर्फ सूखा है आल टोटल, ये कच्चा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सूखे कपड़े पे ही रखते हैं, उसके बाद सिर्फ हम लोग जो भी है पूरा आल टोटल ज़्यादा ध्यान अपना गोल बने हमारा कोशिश यही रहता है, और उसके बाद अच्छा बने बढ़िया बने और दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी कहता हूँ कि जब तक आप लोग अच्छे से देखेंगे नहीं बढ़िया से जब तक कुछ नहीं होगा। देखो ये है हमारा असली तरीका और ये है हमारा बनाने का तरीका। अगर ये हिसाब से आप लोग अगर बना लिए कर लिए और जब तक ध्यान से देखेंगे नहीं तब तक कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा। मिलाना क्या है करना क्या है कैसे करना है जब तक कुछ नहीं होगा मेरे भाई मेरे यार। ये देखो अगर आप लोग सच में अगर पानी पूरी वाले से सीखना सोच भी रहे हैं ना कि पानी पूरी वाले बनाते कैसे हैं तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को स्पेशली दिखाने के लिए बना रहा हूँ देखो, ताकि आप लोगों को यकीन हो कि हाँ पानी पूरी वाला गोलगप्पे वाला है। देखो ये अभी हमारा पुदीना तोड़े जा रहा है, देखो ये हमारा पुदीना और ये हमारा हरा धनिया और इधर देखो ये आधा किलो हमारा हरी मिर्ची। अब ये सब तोड़ लेंगे और मेरा अभी पानी पूरी फ्राई हो रहा है वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को मैं कैसा हम लोग फ्राई करते हैं वो भी देखो। ये है हमारा असली का पानी पूरी वाले का। अगर देख के एकदम एक बार ये वीडियो देख लिए ना बिल्कुल मेरे जैसा एकदम परफेक्ट बनेगा आपका। चलो मैं दिखाता हूँ हमारा पानी पूरी फ्राई कैसा हो रहा है। ये देखो अभी हमारा शुरू हो गया है पानी पूरी फ्राई होना। देखो ये है अगर एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एकदम बहुत ही जबरदस्त। देखो ये कैसा हमारा बन रहा आप लोगों के सामने है, और अगर आप लोगों को मैं एक ट्राई करवा दूं जबकि ये पपड़ी है पूरा, लेकिन ये देखो इसका आवाज सुनो ये देखो जबकि पपड़ी था तो इतना क्रिस्पी क्रंची है। अगर आप लोग सच में अगर पानी पूरी वाले जैसा अगर सोच भी रहे जबकि आप लोग देख लो ये हमारा पेटी इधर एक पेटी है उसके बाद इधर एक पेटी है। अब आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि मतलब सही है कि गलत है। चलो मैं दिखाता हूँ हम लोग फ्राई कैसे करते हैं। अब इधर देखो इधर हमारा पानी पूरी इधर देखो फ्राई हो रहा है अभी, और ये देखो कैसा है आप लोगों के सामने है। ये असली तरीका अगर आप लोग भी बिल्कुल मेरे जैसा अगर बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ज़बरदस्त होगा। सिर्फ आप लोग एक बार ये हिसाब से बनाओ एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त और परफेक्ट ही बनेगा। सिर्फ आप लोगों को एक बार देखना है एकदम अच्छे से ध्यान से और बहुत आसानी से ही बना लेंगे। मुश्किल से आप लोग 40 से 50 रुपये अगर खर्चा करेंगे 100 से 150 पूरी आपके बनके एकदम रेडी हो जाएंगे बहुत ही आसान और बहुत सरल तरीके से। देखो जबकि मैं आप लोगों को जब बता रहा था कि मतलब आप लोग जब एक साइज का बेलेंगे ना तो एक साइज का ही बढ़िया एकदम ज़बरदस्त आपका। देखो ये है ये हमारा आप लोग देख सकते हैं साइज कितना बढ़िया है ज़बरदस्त। अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इधर देखो ये अब देखो ये कैसा फूल रहा है नहीं फूल रहा है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। और देखो यही तरीका है असली तरीका। अगर ये हिसाब से आप लोग एक बार बना लिए ना तो एकदम ज़बरदस्त एकदम बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग एक बार देखो उसके बाद बनाओ ताकि एकदम आसान हो जाए आप लोगों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।